साथियों नमस्कार। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो कि अतिथि शिक्षकों के संबंध में है। ऐसा माना जा रहा है कि जो अभी उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी थी उसकी एक महीने की डेट बढ़ा दी है, तो उसका भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह सब अतिथि शिक्षकों की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि सरकार ने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वचन दिया है अपने वचन पत्र में। और अभी तक ऐसा देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने जो भी वचन दिए हैं उनको वो पूरा करने में एकजुट होकर जुटे हुए हैं, और जल्द से जल्द उन सभी बिंदुओं को वह छूने वाला है जो उसने अपने घोषणा पत्र में कहा है। तो अतिथि शिक्षकों को नियमित करने पर चिंतन किया जा रहा है, बहुत जल्द हो सकती है घोषणा, ऐसा कांग्रेस की तरफ से रुझान आ रहा है। और इसी कारण से जो शिक्षक भर्ती है उसको अभी पोस्टपोन किया गया है। देखिए पूरी खबर क्या है। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएँ ताकि अतिथि शिक्षकों से संबंधी आपको सभी अपडेट प्राप्त हो सकें। देखिए इंदौर से खबर निकल के आ रही है कि कांग्रेस की घोषणा को अमल में लाने में जुटे अधिकारी, 60,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर चिंतन, ऐसा उनके जो अधिकारी हैं पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से संदेश आ रहा है कि अतिथि शिक्षकों को जो नियमित करने हैं उस पर चिंतन चल रहा है। देखिए पूरी खबर क्या है। मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के कुछ घंटे बाद ही मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा प्रदेश में 60,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश देने के बाद शिक्षा विभाग अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के चिंतन मनन में जुट गया है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति इस चलते शिक्षा सत्र से होगी या नए शिक्षा सत्र से की जाएगी, इसको लेकर विभाग में चिंतन मनन चल रहा है। पूरी खबर देखेंगे। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही थी और मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद ही कमलनाथ ने किसानों का कर्जा माफ करने के अलावा दूसरी भी बड़ी घोषणा प्रदेश में 60,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की कही थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग का अमला अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है। हालांकि अधिकारियों का ये भी कहना है कि अभी आधे से भी अधिक शिक्षा सत्र बीत चुका है और फरवरी मार्च में मुख्य परीक्षाओं आयोजित होनी है, तो कई स्कूलों में पूर्व ही शिक्षकों की कमी के चलते अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई थी और वे बाकायदा सभी स्कूलों में शैक्षणिक कार्य भी करा रहे हैं। ऐसे में इसी सत्र में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी या अगले सत्र में, इसे लेकर विभाग में आला अधिकारियों के बीच चिंतन मनन का दौर भी चल रहा है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर एक दो दिन में कोई निर्णय आ सकता है। जी अतिथि शिक्षकों की आपको बता दें कि अभी 17 तारीख में एक और आदेश आया था कि जिसमें ऑफलाइन के माध्यम से भी जिन स्कूलों में अभी पद खाली हैं और अतिथि शिक्षक नहीं लगाए गए हैं तो ऑफलाइन के माध्यम से भी उन स्थानों पर अतिथि शिक्षक जो है 23 दिसंबर तक नियुक्त कर लिए जाएं, ऐसा एक नया आदेश आया था। तो उस पर भी मनन चल रहा है कि जो नए अतिथि शिक्षक लगाए जाने हैं वो अभी लगाएं या फिर जुलाई से लगाएं, अगले सत्र में लगाएं। एक और आपको विशेष बात बताना है कि जो अतिथि शिक्षक निरंतर कई वर्षों से स्कूलों में कार्यरत हैं और इस बार ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत बाहर हो गए हैं, तो ऐसे अतिथि शिक्षकों के बारे में भी सरकार विचार कर रही है कि उन्हें किस प्रक्रिया के तहत वापस से स्कूलों में लाया जाए। तो नियुक्ति को लेकर विवाद की स्थिति भी बनी थी। कई स्कूलों के अधिकारी, जो बड़े अधिकारी होते हैं, शिक्षा अधिकारी होते हैं, सभी भी के बीच में मंथन चल रहा है कि जो अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होना है वो किस आधार पे और किस समय से इनको स्कूलों में नियुक्त किया जाए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो इस बार अतिथि शिक्षक अब नियुक्त हो जाएंगे संभव है कि आगे निरंतर उन्हीं अतिथि शिक्षकों को स्कूलों में पढ़ाने का मौका दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस का यही नियम है और यही सिद्धांत पर वो काम करती है, जैसा कि उसने अपने घोषणा पत्र में भी यानी वचन पत्र में भी स्पष्ट तौर से कहा है कि वह अतिथि शिक्षकों को ही नियमित करेगी और जिसके आधार पर ही वो सरकार में आई है। तो निश्चित है अभी आगामी कुछ समय में चुनाव फिर से है लोकसभा का, तो उसको भी उसको देखना है। तो उन्होंने जो भी अपने वचन पत्र में वादे किए हैं संभव है कि वो उन सभी वादों पर खरी उतरेगी और अतिथि शिक्षक से जुड़ी रहने के लिए, अतिथि शिक्षक से संबंधित सभी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और बेल आइकॉन जरूर दबाएँ जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको सीधे ही प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।